सलाम वालेकुम। आज हम दम की मुर्गी बनाएंगे। ये दो मुर्गी है और इसमें ये 1.5 पाव प्याज है तली हुई, और 100 ग्राम 80 ग्राम काजू, 80 ग्राम बादाम। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड कर लिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। ये ऐसे चमचे से, 3 चमचे तेल है दो मुर्गियों के लिए, 3 चमचे। ये 2 चमचे अदरक लहसुन टेबल स्पून, ये अदरक लहसुन लाल हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 चाय के चमचे मिर्ची, 2 चाय के चमचे गरम मसाला, 2 चाय के चमचे हल्दी। अब इसमें डालेंगे काजू और प्याज का पेस्ट जो हमने ग्राइंड कर लिया था। ये मसाला भुने गया, इसमें नमक नहीं डाली थी। ये 3 चाय के चमचे नमक है। मुर्गी है और ये 800 ग्राम दही है। ये थाले में ले लेना ये मुर्गी को, क्योंकि ये थाले में दम होगी मुर्गी। हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना है, लेकिन हरी मिर्ची बहुत कम है। इतने पूरे में 4 हरी मिर्चियां हैं। ये जो मसाला भुने थे वो डाल रहे इसमें। अभी सब चीजों को मिला लेना। 2 नींबू है ये, बड़े 2 नींबू है। ये थोड़ी सी काली मिर्ची, अगर खसखस है तो 80 ग्राम खसखस भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मेरे पास खसखस नहीं है। ये जीरा राइस है और 1 किलो चावल है, इसमें 2 चमचे तेल, प्याज 1 डंडी, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्ची और बड़ी इलायची। और ये 1.5 चाय का चमचा जीरा। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन, तीन चाय के चमचे नमक। लाल हो गया बाद ये 4 गिलास पानी डाल। ये हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना और ये 3 मिर्ची। अब ये पक गए तो इसमें चावल डालेंगे। ये चावल डाल दिए, 3-4 घंटे पहले धुले हुए हैं ये चावल, 1 किलो चावल है ये। पानी पक रहा था, चावल डाल दिए। अब ये रेडी हो गया, इसमें 4 मिर्चियां डाली मैं और थोड़ा हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना। तकरीबन ये 25 मिनट में रेडी हो गया। ये जीरा राइस तैयार हो गया। ये जीरा राइस और दम की मुर्गी तैयार हो गई।